समाधान चाहते हैं और लोगों की रोजी रोटी गरीबों का चलता रहे, इस पे हमारा ध्यान है। क्या? लेकिन आप बात समझिए, हाईकोर्ट का आदेश मानते हैं, सब मानते हैं और सबको मानना चाहिए। अगर हाईकोर्ट का हवाला देते हैं तो पहले नोटिस भेजो, इनको अलग से व्यवस्थित करो, फिर अपनी कार्रवाई करो। लेकिन यहाँ के दुकानदार तो कह रहे हैं इनको कोई जगह दे दीजिए। लेकिन आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इतने दिनों तक गायब रहे, अब आए हैं तो सरकार के खिलाफ यही काम कर रहे हैं। आरोप जो होता है वो सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है। तेजस्वी यादव यहाँ पर पटना के फल मंडी में देखिए किस तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो क्या कुछ कर रहे थे, अरे भैया आप बहुत, कोई स्मार्ट सिटी, कोई हाईकोर्ट का आदेश, कोई हाईकोर्ट का आदेश कहता है, कोई स्मार्ट सिटी कहता है, कोई मिलावट की बात करता है। सरकार है कि क्या है, मजाक है? क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मंदिर भी कई जगह तोड़े गए हैं, उस पर हमको कहाँ खींचे? हाँ छोड़िए ना, हमारा भी है, हमारा डेलीगेशन का रिपोर्ट मिल नहीं है। अभी आगे और आवाज उठाते रहेंगे तेजस्वी जी, लोगों से को मिला रहे हैं घर पे मिलने के लिए, घर पे लोग खुद आ रहे हैं जी, मिल रहे हैं लोगों से। समस्या जो है तो देख सकते हैं तेजस्वी यादव किस तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं फल मंडी में, और इन तस्वीरों से लक्ष्मी जी आपको एक्सक्लूसिव ऊपर उठा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या कहा उन्होंने कि छलावा करिए सरकार, आपने सुन लिया, क्या कुछ कर रहे हैं लोग, उनसे मिलने जा रहे हैं, महिला भी उनसे फरियाद लगा रही है। आप लक्ष्मी देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, भीड़ लग चुकी है पूरी पटना के इनकम टैक्स पर। आप लक्ष्मी देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ गरीबों के बाद उठा रहे हैं, सुनना पड़ेगा। आप आपसे उम्मीदें सब तो है, क्या आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? बात लगता है जिस तरह दूध मंडी में सुनी थी बात, नहीं करेंगे।